गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विशाल बंसल। आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th बिजनेस से, और वो टॉपिक रहेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर टू द स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द सेलर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीन होता है कि हमें अपने कंज्यूमर को, अपने ग्राहक को प्रोटेक्ट करना है किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब कोई भी गलत काम, लाइक मिलावट की सामान को बेचना या प्राइस को हाई करके जो है मार्केट में बेचना सामान को, या जो है गुड्स को आउटडेटेड सामान को जो है कस्टमर को बेच देना। कौन बेच सकता है? या तो प्रोड्यूसर बेचता है, रिटेलर या होलसेलर, ये व्यक्ति जो है मेनली बेचते हैं। तो इन दैट केस इस तरह की प्रैक्टिसेस को रोकना ही क्या कहलाता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। और हमारे पास जो है 15 मार्च जो है इंडिया गवर्नमेंट ने कंज्यूमर डे के रूप में भी जो है इंडिया के अंदर बनाया जाता है। और इसमें एक चीज़ और आपको याद करने की ज़रूरत है कि अभी हमारे पास कुछ चेंजमेंट हुआ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी जो है गवर्नमेंट ने लेकर के आए हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बट आपकी बुक में अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग ही मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ आपको समझ आ गई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको देखा जाए कि कंज्यूमर जो है मेनली एक्सप्लोइटेड कैसे हो सकता है, मतलब कंज्यूमर का शोषण कैसे किया जा सकता है प्रोड्यूसर द्वारा या सेलर के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड। अडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स क्या होता है कि मतलब कंज्यूमर गुड्स के अंदर कुछ मिलावट कर देना। आजकल आप समझते होंगे ना कि जैसे जो अगर आप घर के अंदर कोई घी यूज़ करते हैं वो भी मिलावटी आपको मिल सकता है, या फिर आप कोई भी सामान यूज़ करते हैं लाइक कोई भी खाने का सामान, या फिर आप कोई भी यूज़ करने का सामान, उन सब में आज के टाइम क्या आने लगे हैं? मिलावट। तो ये अडल्ट्रेशन है, उसके वे में कंज्यूमर को एक्सप्लोइट किया जा सकता है। पुअर क्वालिटी का कोई गुड एंड सर्विस कंज्यूमर को जो है प्रोवाइड करवाना, या फिर कोई मिसलैंडिंग एडवर्टीजमेंट। कई बार ना हम ऐसी एडवर्टीजमेंट कंज्यूमर को दिखाते हैं ताकि वो कंज्यूमर अट्रैक्ट हो, हमारे प्रोडक्ट को खरीदे, जिसमें हम गलत चीज़ भी कंज्यूमर को बता देते हैं। आपको याद होगा कि एक बार मैगी के लिए जो एक एडवर्टीजमेंट आई थी जिसकी वजह से मैगी फंसी थी, उसमें माधुरी दीक्षित वहाँ पर लीड रोल में थी, और उन्होंने ये बोल दिया था कि एक पैकेट मैगी से 10 रोटी के बराबर जो है प्रोटीन मिलता है। तो उस एक वर्ड लाइन से एडवर्टीजमेंट मतलब इतनी गलत थी कि वहाँ पे उसके ऊपर उन्होंने चेक करवाया मैगी को कि क्या एक्चुअल में ऐसा है, और वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिली जिसकी वजह से मैगी फंसी थी, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट हम कई बार गलत दे देते हैं, या फिर कोई शॉर्ट मेजरिंग, या फिर अंडर वेट कर दे गुड्स का, जिसकी वजह से भी जो हम कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज है जिनकी वजह से कंज्यूमर जो है एक्सप्लोइट होता है। हमारे पास कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं जिसके थ्रू बताया हुआ है कि कंज्यूमर को किस तरह से शोषण किया जाता है। जैसे एक ए मैन्युफैक्चरर सनफ्लोर ऑयल क्लेम इन द एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन अ न्यूज़पेपर दैट हिज ऑयल इज रिच इन विटामिन मिनरल एंड प्रोटीन। एक ये बता रहा है कि एक बार सनफ्लोर जो ऑयल कंपनी है उसने ये दावा किया, एडवर्टीजमेंट पेश की कि जो उनका जो ऑयल है उसके अंदर विटामिन मिनरल प्रोटीन जो है वो काफ़ी मतलब जो है मात्रा में है। और बाद में जब उसको टेस्ट किया गया तो उसके जितने भी क्लेम थे वो सारे क्लेम क्या निकले? गलत साबित हुए। तो इन डैट केस इस तरीके से वो लोग क्या कर रहे होते हैं? कंज्यूमर को एक्सप्लोइट कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी हजारों आपके सामने केसेस हैं, आप डेली रूटीन में देख सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले भी जैसे एक पर्सन है, नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने बोला था कि ये मेरी दवाई आप यूज़ करो तो इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। बट वो टेस्ट जब किया गया तो रिजल्ट आपके सामने था, कोरोना का उससे कोई लेना देना नहीं था। तो इन डैट केस ये भी एक मिसलैंडिंग एडवर्टीजमेंट जिसके थ्रू जो है कंज्यूमर को एक्सप्लोइट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या ज़रूरत है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत एक तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और दूसरा प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरत है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल,
कंज्यूमर की मतलब जैसे मान लीजिए मैं कंज्यूमर हूँ और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरत है कि मुझे प्रोटेक्ट किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर इग्नोरेंस, क्या होता है कि जब भी मैं मार्केट के अंदर सामान खरीदने के लिए जाता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मैं चीज़ों को जल्दबाजी में खरीद लेता हूँ। इन डैट केस मेरा क्या हो जाता है, एक्सप्लोजेशन हो जाता है। देखो वैसे तो मेरी लाइबिलिटी बनती है कि मैं कोई भी सामान खरीदने जाऊं, बुलाए कोई फूड प्रोडक्ट उस पर मैन्युफैक्चरिंग आउटडेटिंग देखना चाहिए, कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने जा रहा हूं डेट वगैरह चेक करनी चाहिए, उसके बाद ही सामान को खरीदना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि कंज्यूमर जल्दबाजी में सामान को खरीद लेता है, उस केस में कंज्यूमर का एक्सप्लोजेशन हो जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट की या फिर प्रोड्यूसर की ये एक लाइबिलिटी बनती है कि वो ऐसा सामान बेचे ही ना या ऐसा सामान मार्केट में अवेलेबल कराए ही ना ताकि कंज्यूमर को जो है ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। ठीक है, तो कंज्यूमर इग्नोरेंस की वजह से जो है हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। सेकेंड वन इज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर से मीन है कि देखिए अगर मान लीजिए मुझे कोई प्रॉब्लम है किसी प्रोडक्ट से, अगर मैं उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता हूँ तो इन डैट केस क्या होगा कि एक व्यक्ति की जो आवाज़ है उसको मेनली क्या होता है कि जैसे दबा दिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अगर कोई चीज़ के लिए क्लेम कर रहा है, बाकी लोग उससे सहमत नहीं होते या उसका साथ नहीं देते हैं तो कंपनी उस पर हैवी हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने पे आए तो अगर एक व्यक्ति को किसी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम हो रही है तो वही प्रॉब्लम बाकी भी बहुत सारे पर्सन को हो सकती है। तो अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बना दें जिसमें अगर एक को कोई प्रॉब्लम हो रही है और हम बाकी का भी नज़रिया लें और वहाँ पे सभी कंज्यूमर एक साथ हो जाए तो इन डैट केस क्या हो सकता है, हम कंपनी का वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकने से बैन करवा सकते हैं। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज कंज्यूमर करने के लिए मतलब सबको एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने के लिए हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड द लास्ट वन इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लोजेशन ऑफ कंज्यूमर। आज के टाइम आप देख रहे हो हर जगह पे कंज्यूमर के साथ जो है धोखाधड़ी की जा रही है, उसको घटिया क्वालिटी का सामान भी बेचा जा रहा है, महंगे प्राइजेस पे भी बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से जो है कंज्यूमर का एक्सप्लोजेशन हो रहा है। तो हमें उसको रोकने के लिए और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत है। क्लियर है? नेक्स्ट वन है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरत है, ये जरूर आता है आपके पास पेपर में। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरत है कि हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करें। फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप लोग ये चाहते हैं, मान लीजिए आपका बिजनेस है और आप ये चाहते हैं कि मेरे बिजनेस में लंबे टाइम तक लोग जुड़े रहें, जैसे मान लीजिए मैं आज MI का फ़ोन खरीद के ले के आया हूँ, तो इन डैट केस अगर Xiaomi चाहती है कि आगे आने वाले टाइम में भी ये पर्सन मेरा ही प्रोडक्ट खरीदे तो Xiaomi को मुझे जिस प्राइस में वो प्रोडक्ट बेच रही है उस प्राइस में मुझे अच्छी क्वालिटी का गुड्स देना होगा। अगर मैं एक बार सामान ला करके ये देखता हूँ कि घटिया क्वालिटी का था और कंपनी ने मुझे कोई सर्विस नहीं दी तो मैं नेक्स्ट टाइम उसका प्रोडक्ट कभी नहीं परचेज करूँगा, प्लस अपने रिलेटिव या फ्रेंड को भी मोटिवेट करूँगा ये प्रोडक्ट नहीं खरीदना। क्लियर है? तो इन डैट केस अगर आप चाहते कि आपके बिजनेस में लंबे टाइम तक आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहे तो उसको अच्छी सर्विस देना पड़ेगी आपको। ठीक है, बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज। देखिए एक बिजनेस समाज के अंदर रहता है, समाज के अंदर रहकर ही समाज के रिसोर्सेज को यूज करके ही वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है और प्रॉफिट कमाता है। तो उस व्यक्ति की लाइबिलिटी बनती है कि बदले में वो सोशल को भी एक फेयर रिटर्न दे, मीन्स ऐसी गुड्स प्रोड्यूस करे जिससे जो है सभी के लिए अच्छी जो है मतलब एक मैसेज जाए, एक अच्छी क्वालिटी की गुड्स वो प्रोड्यूस करे, कम रेट पे प्रोड्यूस करे और जो है कस्टमर के लिए बेनिफिशियल हो वो चीज़। ठीक है, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ भी आ गया आपके पास में, इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे हम पढ़ते भी हैं ना अकाउंटेंसी में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट मीन्स एक कंपनी, सोशल मीन्स समाज और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दायित्व। एक कंपनी का समाज के प्रति दायित्व ये बनता है कि हम लोग समाज के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो इन डैट केस जैसे देखिए आप लोग समाज में रहकर ही कहीं पे कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, उस फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है, ठीक है, और या फिर वेस्टेज जो है आपकी वेस्टेज नदी वगैरह में डालते जिसकी वजह से आपका
मतलब और भी कई तरह के पोल्यूशन होते हैं, तो बदले में आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी समाज के लिए कुछ करें। और कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समाज के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके, या बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को डेवलप करके, रूरल एरियाज़ में अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग करें, तो इससे क्या होगा, सोशल डेवलप होगा और यही चीज़ आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगी। क्लियर है? नेक्स्ट वन है आपके पास जैसे मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल जस्टिफिकेशन मीन्स एक होता ना सैद्धांतिक वैल्यूज, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, आपने थोड़ा इलेवंथ में पढ़े होंगे, हर एक बिजनेस के कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। मीन्स हम जो भी करेंगे मतलब अच्छे के लिए करेंगे, कोई भी घटिया क्वालिटी की चीज़ें हम नहीं बनाएंगे, ये हमारी कुछ ओथ होती है ना, हम लोग लेते हैं कि हम लोग जो कभी भी महंगा सामान नहीं बेचेंगे, जितना फेयर रिटर्न चाहिए सिर्फ उतना ही लेंगे, ज़्यादा कंज्यूमर का एक्सप्लोजेशन नहीं करेंगे। तो इन डैट केस कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती है जो हर कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है। एंड द लास्ट वन इज़ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मीन्स अगर आपका बिजनेस अच्छा काम करेगा, कोई धोखाधड़ी किसी कस्टमर के साथ नहीं करेगा, तो ये डेफिनेटली है कल को ना गवर्नमेंट कभी भी आपके बिजनेस में आके इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर आप ये चाहते हो कि मेरा बिजनेस कैसा रहे, गवर्नमेंट कभी आए ना, इंटरफेयर करे ना, कभी मेरी चीज़ों की चेकिंग ना करे, तो इन डैट केस आप लोग क्या करें, हमेशा अच्छी क्वालिटी का गुड्स बनाते रहें, समाज को फेयर रिटर्न देते रहे, कोई भी लोग आपकी कंप्लेंट करेंगे नहीं, गवर्नमेंट को कभी आपके काम के आड़े आना नहीं पड़ेगा। तो इन डैट केस इन चीज़ों के लिए जो है ज़रूरी है। ठीक है, आपको कुछ इनके अलावा लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर के लिए कुछ एक्ट बने हुए हैं, मेनली आपको पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में CPA 1986। पूरा ये चैप्टर है, जैसे जैसे आप ये चैप्टर पढ़ते जाओगे तो इसमें आप सीखते जाओगे कि किस तरह से गवर्नमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, उसके अलावा भी आपको जो है ना कुछ एक्ट दिए हुए हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1982, सिर्फ ईयर याद कर लो, थोड़ा सा और ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, ये किस लिए है, किसी भी गुड्स को सेल करने के लिए उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उसके रिगार्डिंग। एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट 1955, एसेंशियल कॉमोडिटी मतलब जो ज़रूरत की चीज़ होती है हर एक व्यक्ति के लिए, उसके लिए एक्ट बनाया हुआ 1955। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, स्टैंडर्ड वेट मेजर एक्ट 1976, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। इस कॉम्पिटिशन एक्ट को ना पहले MRTP एक्ट, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा आपने रीड किया होगा, पहले आया था MRTP एक्ट, उस MRTP एक्ट को ख़त्म करके कॉम्पिटिशन एक्ट लेके आए थे 2002 में, तो ये ट्रेड के लिए है। ठीक है, और द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। ब्यूरो मीन्स होता है जैसे आप लोग देखते होंगे ना, आपकी ज्वेलरी अगर हाई क्वालिटी की है, किससे पता चलेगा, अगर ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्क का साइन होगा। अगर आपका फ्रूट है वो किससे पता चलेगा हाई क्वालिटी का, जब उस पर FPO लिखा होता है, मतलब फ्रूट प्रोडक्ट ऑफिसर, मतलब एक वो होता है ना उनकी ट्रेडमार्क है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे ISI मार्क लगा होता है, समझ रहे हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट जैसे उस पर इको सिस्टम लगा हुआ, तो इट्स मीन जैसे इको एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कभी अपने ना बाइक पे या कार वगैरह पे देखना, इको फ्रेंडली का मार्क लगा हुआ हो सकता है आपके पास। तो ये ब्यूरो जो है किसके तहत इशू किए जाते हैं, कभी भी फूड प्रोडक्ट खरीद के लाओ, उस पर आपके पास ना ग्रीन कलर में एक डॉटेड वो होता है, मतलब फूड एक्ट के लिए। तो ये सब चीज़ आपके लिए कुछ ब्यूरोज हैं जो आपकी हाई क्वालिटीज़ को शो करते हैं, आगे चैप्टर में आएंगे, उसके लिए एक्ट 1986। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा रीड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम इसके आगे में फर्दर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सअप करना या फिर मुझे कॉल कर देना। ठीक है, टेक केयर, बाय।